आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम प्रतिदिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की एक झलक। ब्रिटिश राज के विरुद्ध 10 जुलाई 1806 को वेल्लोर क्रांति शुरू हुई। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारतीय सिपाहियों का बड़े पैमाने पर विद्रोह का पहला उदाहरण था। ४ मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी के दौरान टीपू सुल्तान के मारे जाने के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने मैसूर राज्य पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने मैसूर को उसके पूर्व शासकों वडियारों को सौंप दिया और टीपू के बच्चों और उनके परिवारों को वेल्लोर निर्वासित कर दिया गया। हालांकि ये रणनीति शीघ्र ही उनकी परेशानी का कारण बन गई। टीपू के बच्चों, उनके परिवारों और असंख्य नौकरों ने निर्वासन में मैसूर वासियों के समुदाय का गठन किया, जिसकी संख्या 3000 तक थी और वे वेल्लोर के आसपास के काफी क्षेत्र में फैल गए। श्रीरंगपट्टम में खूनी लड़ाई के 6 साल बाद 14 नवंबर 1805 को ब्रिटिश सैनिकों के कमांडर इन चीफ जेएफ क्रेड डॉक ने एक आदेश जारी किया, जिसमें नए सैन्य ड्रेस कोड का विवरण दिया गया था। आदेश के अनुसार सिपाहियों को वर्दी पहननी थी और दाढ़ी कटवानी थी। उन्हें चमड़े की पगड़ी पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। यद्यपि ये आदेश एक रूपता स्थापित करने के लिए जारी किया गया था, लेकिन हिंदू सिपाहियों ने चमड़े की टोपी पहनने पर आपत्ति जताई। मनिदा मनिदा इनियुं विड़िगल सिवंदाल उलगं विड़ियुं विड़ियिल वड़ियुं उदिरं मुळुदुं इनियुं सरिदं एळुदुं असयुं कोडिगल उयरुं उयरुं निलविन मुदुगै उरसुं। जब 21 सिपाहियों ने अप्रसन्नता व्यक्त की तो उन्हें शारीरिक दंड दिया गया और उन्हें मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज में सार्वजनिक रूप से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। 10 जुलाई 1806 की सुबह सिपाहियों ने वेल्लोर किले पर हमला किया। इसके बाद नरसंहार हुआ, जिसमें 100 से अधिक ब्रिटिश सैनिक मारे गए। अंग्रेजों के झंडे को सिपाहियों ने उतारा और टीपू का झंडा फहरा दिया। जब आरकोट से ब्रिटिश घुड़सवार रेजिमेंट किले तक पहुंची, तो पता चला कि वो तो पहले से ही किला कार्यकर्ताओं के कब्जे में था, लेकिन जल्द ही उनमें से अधिकांश को ब्रिटिश सेना ने मार गिराया और विद्रोह को कुचल दिया। हालांकि वेल्लोर विद्रोह अक्सर 1857 की घटनाओं से ओझल हो जाता है, लेकिन इसके प्रभाव ब्रिटेन में भी महसूस किए गए थे। हम स्वतंत्रता सेनानी रहमान खान को भी याद कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सतारा के निवासी खान पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में थे, लेकिन 1857 में विदेशी शासन से स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए नौकरी छोड़ दी। उन्होंने सतारा में कई अवसरों पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। बाद में कंपनी के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। खान पर नौकरी छोड़ने और विद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उन्हें लोहे की बेड़ियों में कड़ी मेहनत की सजा के साथ जीवन भर के लिए निर्वासित कर दिया गया। अंडमान द्वीप समूह में हिरासत में 10 जुलाई 1859 को रहमान खान की मृत्यु हो गई। शहीद रहमान को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के संग।